नारायण नारायण नारायण। तो ब्रह्मा जी के दाहिने वक्ष स्थल से धर्म उत्पन्न हुआ और धर्म की पत्नी हुई मूर्ति, और इन धर्म और मूर्ति के घर में ही स्वयं श्री नारायण भगवान नर नारायण के रूप में अवतीर्ण हुए। और महाराज ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई और अधर्म से संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। तो इसका मतलब है कि जहां धर्म होगा वहां भगवान श्री नारायण होंगे, जहां धर्म है वहीं भगवान अवतरित होंगे, और जहां अधर्म है वहां अंत में सर्वनाश होगा, मृत्यु होगी। अधर्म का फल है विनाश, मृत्यु। इसलिए हम लोगों को अधर्म से बचना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पास का निवास स्थान निरति, छाया से ब्रह्मा जी की छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। कर्दम जी जो हैं वो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए, तो कर्दम जी साक्षात ब्रह्मा जी के समान है। छाया में भेद नहीं होता, जो मन पुरुष होता है और वैसी ही उसकी छाया होती है। तो महाराज कर्दम जी जो है वही समान है। तो इस प्रकार से वर्णन किया गया है। एक बार ब्रह्मा जी का मन जो है अधर्म में प्रवृत्त हो गया और ब्रह्मा जी ने उस शरीर का त्याग कर दिया, तो उस शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। उसी समय उनके चार मुखों से चार वेद प्रकट हुए। ब्रह्मा जी चतुर्मुख है ना, तो चार मुख है ब्रह्मा जी के, चार मुखों से चार वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्याय शास्त्र और महाराज यज्ञ के जो कर्म हैं और ऋतुजों के जो कर्म हैं, यज्ञों का विस्तार, धर्म के चार चरण, चारों आश्रम और उनकी वृत्तियां, ये सब भी महाराज ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा कि हे मैत्रेय जी, हे मैत्रेय जी, श्री तपोधन विश्व रचयिताओं के स्वामी ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेदादि को रचा, तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन सी वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री मैत्रेय जी ने उसका समाधान किया कि हे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋग, यजु, साम और अथर्व वेद को रचा, और इसी क्रम से होता का कर्म, अधर्यु का कर्म, उद्गाता का कर्म, ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना की। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, स्थापत्य वेद, इन चार उपवेदों को भी क्रमशः उन ब्रह्मा जी ने अपने मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण रूप पांचवा वेद बनाया। और महाराज विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के चार चरण हैं। कौन से? विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के चार चरण हैं। इनको भी ब्रह्मा जी ने अपने मुखों से प्रकट किया। चार वृत्तियां ब्रह्मचारी की, चार वृत्तियां गृहस्थ की, चार वृत्तियां वैखानस की, वानप्रस्थ की, और महाराज चार वृत्तियां संन्यास की, परमहंस की उन्होंने रची। और
चार विद्याएं और चार व्याहृतियां ब्रह्मा जी के चारों मुखों से प्रकट हुई और उनके हृदयाकाश से प्रणव, उनके हृदयाकाश से प्रणव उत्पन्न हुआ, प्रणव प्रकट हुआ। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने अपना जो पहले का शरीर जो छोड़ा था उससे कोहरा बना था, छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके पुष्प विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का अधिक विस्तार नहीं हुआ, अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, उसी समय उनके शरीर के दो भाग हो गए। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे, चिंतित थे कि कैसे सृष्टि का शीघ्रता पूर्वक विस्तार हो। उसी समय उनके शरीर के दो भाग हो गए। बायां भाग, वाम भाग तो स्त्री के रूप में परिणित हो गया और दाहिने भाग से पुरुष प्रकट हो गया। शरीर के दो भाग हुए उससे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हो गया। जो स्त्री थी वे तो हुई महारानी सतरूपा और जो पुरुष हैं वे हुए उनके पति श्री स्वायंभू मनु। सबसे पहला जो मन्वंतर है वो स्वायंभू मन्वंतर है। उस मन्वंतर के अधिपति स्वायंभू मनु वे सार्वभौम सम्राट हुए और महाराज उनकी महारानी उनकी पत्नी हुई श्री सतरूपा जी। तब से ये जो सृष्टि है इसने खूब महाराज वृद्धि इसमें होने लगी और स्त्री पुरुष के संयोग से प्रजा की बड़ी जल्दी वृद्धि होने लगी। स्वायंभू मनु ने अपनी पत्नी सतरूपा से पांच संतानें उत्पन्न की। उनके उनमें दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये उनके पुत्र हैं। और तीन पुत्रियां हैं, आकूति, देवहूति और प्रसूति। ये तीन पुत्रियां उनकी हुई। मनुजी ने आकूति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मझली कन्या, बीच की कन्या देवहूति का विवाह श्री करदम जी से किया और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। और इन तीनों कन्याओं की संतानों से सारा संसार भर गया। खूब महाराज से संसार में प्रजा की वृद्धि हुई। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, हे राजन, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में उनका अत्यंत अनुराग हो गया था, भगवान की कथा में अनुराग हो गया था इसलिए वे बड़े विस्तार से कथा सुनना चाह रहे हैं। संक्षिप्त कथा नहीं सुनना चाहते, विस्तृत कथा सुनना चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि हे मुनि, ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वायंभू मनु, उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी सतरूपा को पाकर क्या किया? हे साधु शिरोमणि मैत्रेय जी, आप मुझे स्वायंभू मनु का पवित्र चरित्र तो सुनाइए, क्योंकि वे भगवान के शरणापन्न थे, भगवान के भक्त थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। क्योंकि जैसे मंगलमय पवित्र भगवान के चरित्र है ना, उसी प्रकार उनके भक्त कथाएं भी बड़ी मंगलमय है। ठाकुर जी के जो भक्त हैं जिन्होंने अपना तन मन सर्वस्व प्राण सब कुछ श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिए हैं, वे भक्त भी भगवत स्वरूप हो जाते हैं और उनकी कथाएं भी जगत को पवित्र करने वाली होती हैं। तो विदुर जी यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि हे मैत्रेय जी, जो स्वायंभू मनु हैं वे भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मुझे बड़ा अनुराग है। क्योंकि भक्तों के एक-एक चरित्र में, भक्तों के एक-एक चरित्र के श्रवण में भगवान की दिव्य लीलाओं का प्राकट्य होता है।
भगवान की दिव्य कथाओं का प्राकट्य होता है, इसलिए आप मुझे उनका चरित्र सुनाइए। यहाँ विदुर जी बड़ी सुंदर एक बात कह रहे हैं, बड़े ध्यान से आप लोग श्रवण करें। विदुर जी कह रहे हैं, जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणार विंद विराजमान है, भगवान के चरण जिनके हृदय में विराजमान है, उन भक्तों के गुणों का श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है, ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। बहुत दिन तक हमने शास्त्रों का अभ्यास किया, साधन किया, खूब अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, लेकिन महाराज जब हमें भगवान के भक्तों का चरित्र सुनने को प्राप्त हो, भगवान की कथा सुनने को प्राप्त हो, तब समझना चाहिए कि हमारे बहुत दिनों का शास्त्राभ्यास आज सफल हो गया, उसमें जो हमने श्रम किया आज वो सार्थक हो गया। श्री विदुर जी कह रहे हैं, श्रुतस्य पुंसां सुचिराश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरभिरीरितोऽर्थः। इसको बाद में देखिए, गुणानुश्रवणम् मुकुन्द पादारविन्दम् हृदयेषु येषाम्। जिनके हृदय में भगवान श्री मुकुंद के, श्री हरि के चरण कमल विराजमान है, ऐसे भक्तों का चरित्र सुनने से सभी शास्त्रों का अभ्यास करना सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विदुर जी भगवान श्री हरि के भक्त थे, उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा, बड़े प्रसन्न हुए। जब वक्ता से, कथा कहने वाले से कोई श्रोता भगवान की लीला के संबंध में, कथा के संबंध में कोई प्रश्न करता है, तो महाराज श्रेष्ठ वक्ताजन प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। उन्होंने कहा, यदा स्वभाज्यया साकं जातः स्वयं भुवो मनु प्राञ्जलि प्रणतश्चेदं वेद गर्भं भासत। जब अपनी भार्या सद्रूपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, हे पिताजी, हे भगवान, आप जीवों के जन्मदाता हैं और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं, हम आपकी संतान हैं और महाराज हमें आप आज्ञा दीजिए कि हम आपकी कैसे सेवा करें, किस प्रकार आपकी सेवा करें जिससे आप प्रसन्न हो। हम आपको नमस्कार करते हैं, आप हमसे अपने ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दें जिससे इस लोक में हमारी कीर्ति हो और परलोक में हमें सदगति प्राप्त हो सके। ये श्री स्वयंभू मनु जी ने कहा, महाराज मनु जी ने ये कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, हे बेटा, तुम दोनों का कल्याण हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मुझसे कहा कि हमें आज्ञा दीजिए, इस प्रकार जो तुमने आत्मसमर्पण किया है इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब बोले, भगवान श्री हरि ने मुझे प्रजा के सृजन का कार्य सौंपा है, उस कार्य में तुम मेरे सहभागी हो, सहायता करो और तुम भी इस प्रजा का खूब महाराज सृजन करो, प्रजा की वृद्धि करो, इस प्रजा को बढ़ाओ जिससे भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे, इस प्रकार से मेरी भी सेवा हो जाएगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। जिनके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उनका सारा जीवन सार्थक हो जाता है, और जिनके ऊपर भगवान प्रसन्न नहीं होते उनका सारा श्रम व्यर्थ हो जाता है।
क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। ये शाम न तुष्टो भगवान यज्ञलिंगो जनार्दन तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मा नाद्रतः स्वयं। जिनके ऊपर भगवान कृपा नहीं करते, भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा साधन श्रम हो जाता है, क्योंकि वे तो अपने एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनु जी ने कहा, पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, लेकिन आप महाराज मेरे ऊपर एक कृपा करें। बोले, जब मेरी मेरे द्वारा प्रजा की उत्पत्ति होगी तो वह कहाँ रहेगी, उसके रहने के लिए आप स्थान बतला दीजिए। जब हम प्रजा का सृजन करेंगे और उसकी वृद्धि होगी तो वो रहेंगे कहाँ, क्योंकि इस समय जीवों का जो निवास स्थान, मनुष्यों का जो निवास स्थान पृथ्वी है, वो इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस पृथ्वी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, इस प्रकार पृथ्वी जी, इस प्रकार जब मनु जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए, क्योंकि पृथ्वी तो प्रलय कालीन समुद्र में डूबी हुई है और महाराज अब इसको कैसे निकाला जाए। इस चिंता में ब्रह्मा जी पड़ गए, और ये पृथ्वी जो है यही मनुष्यों की रहने का स्थान है। मनुष्य जब उत्पन्न होंगे तो वे कहाँ रहेंगे, और ये पृथ्वी रसातल में चली गई है, अब हमें क्या करना चाहिए। अब तो महाराज ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जिनके संकल्प से मेरा जन्म हुआ है वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम करें। जब महाराज अपने कुछ समझ में नहीं आता तो जिन्होंने हमें काम सौंपा है उसी के पास जाकर के महाराज प्रार्थना हम करते हैं। बोले, महाराज आप काम तो हमें सौंपा है, लेकिन ये बड़ी भारी अड़चन, ये बड़ी भारी समस्या उस काम में आ रही है, तो इस समस्या को आप दूर करें, निवारण करें, तब हम काम ठीक ठीक करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज ये सब सृष्टि भगवान की बनाई हुई, भगवान ने ही हमें काम सौंपा है, इसलिए अब भगवान ही हमारी इस समस्या का समाधान करें। तो जिस समय श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय उनके नासा छिद्र से अक्षमात अंगूठे के बराबर का एक वाराह शिशु निकला। वाराह का बच्चा, वाराह कहते हैं जंगली सूकर से, जंगली सूकर से वाराह कहते हैं। अंगूठे के बराबर, अंगूठे का जो अग्रभाग होता है उसके बराबर महाराज एक छोटा सा वाराह का बच्चा निकला, और वे वाराह कोई और नहीं, साक्षात वाराह भगवान है, श्री नारायण भगवान है। बोलिए, वाराह भगवान की जय। छोटे से वाराह के रूप में ब्रह्मा जी के नासिका रंध्र से, नाक से, दाहिने नाक से वाराह भगवान प्रकट हुए, और महाराज वे वाराह भगवान समुद्र के अथाह जल में कूद पड़े, और देखते ही देखते ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मुझे छींक आई और ये क्या जंतु निकला मेरी नाक से, और छींकते ही जंतु निकला और वो समुद्र में कूद पड़ा, और समुद्र में देखते ही देखते बड़ा भारी विशाल स्वरूप उसने धारण कर लिया। ब्रह्मा जी सोचने लगे, अच्छा हुआ कि ये वाराह भगवान मेरी नासिका में नहीं बढ़े, नाक में नहीं बढ़े, बाहर निकल के बढ़े, अगर महाराज भीतर बढ़े होते तो न जाने क्या होता। अब महाराज उन्होंने विशाल स्वरूप धारण किया और समुद्र के जल में डुबकी मारी, और डुबकी मार करके महाराज ऐसे ऐसा लगा कि कोई पहाड़ ही, कोई बड़ा भारी पहाड़ और पर्वत ही समुद्र में महाराज गोते लगा रहा हो, और समुद्र में से डुबकी लगा करके भगवान वाराह ने अपने बालों को महाराज इस प्रकार से उछीटा है, तो उन बालों को जब भगवान इस प्रकार से हिलाने लगे तो
तो उनसे जल की छोटी छोटी बूंदें वो चारों दिशाओं में, महाराज चारों दिशाओं में फैल गई। और उस समय भगवान वाराह का दर्शन करने के लिए सब ऋषि मुनि महात्मा सब वहां प्रकट हो गए। जो ऋषि थे, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी से जिनका प्रागट्य हुआ है, वे ऋषिगण हाथ जोड़ करके, सिद्ध जन हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और महाराज भगवान का दर्शन करने लगे। और तरह तरह के विचार करने लगे कि ये कौन है। तो उन्हें समझ में आया कि साक्षात भगवान ही इस रूप में प्रकट हुए हैं। तो वे भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर के गरजने लगे, निशम्यते घर घर तम स्वखेद क्षयिष्णु माया मय सूकरस्य जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृणन् स्म। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को भर दिया और महाराज ब्रह्मा जी और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपना खेद दूर करने वाले करने वाली माया में वाराह भगवान की घुरघुराहट सुनकर वे जनलोक, तपलोक, सत्यलोक के निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से भगवान वाराह की स्तुति करने लगे। और मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। और एक बार फिर भगवान ने गर्जना की, भगवान दहाड़े गरजे, देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे सूकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले, जल में से ही भगवान ऊपर उछले। और फिर महाराज अपने बालों को फटकार करके खुरों के आघात से बादलों को छितराने, तितर बितर कर दिया। उनका शरीर बड़ा कठोर था, उनके त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थी, नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनके उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं तथापि सूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे हैं। जो जो पशु होते हैं वो नाक से सूंघ करके सभी चीजों का निरीक्षण करते हैं। और पृथ्वी में जो है बड़ी गंध है, पृथ्वी का गुण ही गंध है, तो नाक से सूंघ सूंघ करके पृथ्वी का पता लगा रहे हैं। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर हैं, यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते हैं, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों को बड़ी सौम्य दृष्टि से भगवान निहार रहे, बड़ी दयापूर्ण दृष्टि से, कृपा पूर्ण दृष्टि से निहार रहे हैं। तो तब उस समय भगवान ने जल में प्रवेश किया। महाराज जिस समय भगवान ने ऊपर उछल करके और समुद्र में छलांग लगाई, उस समय महाराज मानो समुद्र का पेट फट गया। इतनी वेग से भगवान समुद्र में कूदे और बहुत बड़े भगवान, पर्वत के समान बड़े, इतने बड़े हैं। देखो भगवान कितने बड़े हैं, बारह भगवान कितने विशाल हैं, इसका अनुमान आप लगाओ। जब पृथ्वी को बारह भगवान अपने मुख के अग्रभाग पर रख करके ला रहे थे, तो एक महाराज गेंद के जैसी पृथ्वी की शोभा हो रही थी। जैसे कोई महामत्त गजराज अपने सूंड पर, अपने मुख पर कोई कमल का पुष्प लेकर के आ रहा हो, ऐसी शोभा हो रही थी। अब हम लोग जिस पृथ्वी पर रहते हैं, वो पृथ्वी कितनी बड़ी है, और पृथ्वी जिस वाराह भगवान, जिन वाराह भगवान के मुख पर एक गेंद की समान, बॉल के समान दिख रही थी, तो आप अनुमान लगाइए वाराह भगवान कितने बड़े होंगे, कितने विशाल होंगे। हैं तो इतने विशाल भगवान जब समुद्र में कूदे, इतने वेग से कि महाराज समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण सा हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि अपनी उत्ताल तरंगों से कलकत्ता
तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्त स्वर से, हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, इस प्रकार भगवान से प्रार्थना कर रहा है। सवज्रकूटांगनि पातवेग विशीर्ण कुक्षि स्तनयन् मुदन्वान् उत्सृष्ट दीर्घोर्मि भुजेरिवार्ता शुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति। समुद्र मानो प्रार्थना कर रहा है कि हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पैने फुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जलराशि के उस पार पहुंचे। वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रय भूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। और फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रख लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। हाँ, अब महाराज जब भगवान श्री वाराह पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, उस समय उनकी मुठभेड़ महापराक्रमी हिरण्याक्ष, ये हिरण्याक्ष जो है ये हिरण्याकश्यप का भाई है और द्विती का कश्यप जी का पुत्र है, बड़ा भारी पराक्रमी दैत्य है। उसने महाराज भगवान के ऊपर अपनी गदा से आक्रमण किया। इससे भगवान का क्रोध बड़ा बढ़ गया और महाराज लीला से ही उसको मार डाला, जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय भगवान की जो नाक है, थूतनी है, वो रक्त से सन गई और वे ऐसे जान पड़ते थे जैसे कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मार करके आया हो, लाल मिट्टी उसमें मुख मार के आया हो, ऐसी भगवान की शोभा हो रही है। जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपनी सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण करके जब जल से भगवान बाहर निकले, तब महाराज नील वर्ण वाराह भगवान को, वाराह भगवान का वर्ण है नील, नीले वाराह, क्या भगवान का स्वरूप रहा होगा। नील वर्ण वाराह भगवान को देख करके ब्रह्मा जी ने, मरीचि जी ने ये निश्चय कर लिया कि ये साक्षात यज्ञेश्वर भगवान हैं। तब वे हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि गण और ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषय ऊचुः जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयीं तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयीं तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः। यद रोम गर्ते सुनिलयुगत्वरा तस्मै नमः कारण शूकरायते तस्मै नमः कारण शूकरायते। ऋषियों ने कहा, हे भगवान अजित, आपकी जय हो जय हो। हे यज्ञपति, आप अपने वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन हैं। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह अद्भुत सूकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगे। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ कर्म आपके ही स्वरूप हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है, वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं, आपको पुनः पुनः प्रणाम है।
पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वतादि मंडित पृथ्वी ऐसी शोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलनी रखी हो। जैसे कोई विशाल गजराज वन में, एक कमल के वन में घुस जाए और महाराज उस कमल वन को तोड़ता मरोड़ता हुआ जब वह उस कमल वन के बाहर निकले, उस वन से बाहर निकले तो उसके मुख पर जैसे कोई कमलनी, कोई छोटा कमल पुष्प वह सुशोभित हो रहा हो, ऐसे प्रभु आपकी शोभा हो रही है। हे नाथ, चराचर जीवों के सुख पूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरणि में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जब आप अपने वेद में विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झलती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं और वे जल की बूंदें जब हमारे ऊपर गिरती हैं तो उनसे भीग कर हम जनलोक के, तपलोक के और सत्यलोक के रहने वाले मुनिगण सर्वथा पवित्र हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। आहा, ऐसे श्री वाराह भगवान। हे नाथ, जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है। जो आपकी लीलाओं का, आपके कर्मों का पार पाना चाहता है उसकी बुद्धि नष्ट हो गई क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार है ही नहीं। आपकी ही योग माया के सत्वादि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। हे भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, इस प्रकार वाराह भगवान की स्तुति मुनियों ने की है और महाराज सबकी रक्षा करने वाले वाराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर दिया और उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। देखो क्या बढ़िया महाराज, विचित्र ये भगवान की आश्चर्यमयी लीला है कि पृथ्वी को जल पर भगवान ने स्थित कर दिया, आधार पृथ्वी को दिया और भगवान के आधार से पृथ्वी स्थित हो गई। हे विदुर जी, भगवान के लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप पापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस कथा को कहते सुनते हैं उन पर भगवान राजी हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, राजी हो जाए तो फिर ऐसी कौन चीज है जो दुर्लभ है। लेकिन फिर भी उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका कामना रहित तो होकर के अनन्य भाव से भजन करते हैं, ध्यान दीजिए, कामनाएं तो पूरी भगवान कर देते हैं लेकिन फिर भी हमें कामना से भगवान का भजन नहीं करना, निष्काम भाव से भजन करना है। क्योंकि जो लोग अनन्य भाव से भजन करते हैं उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना पद ही दे देते हैं, अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की परम मंगलमय पवित्र कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान कर लेने पर फिर उसका फिर उनकी ओर से अपना मन हटा सके, ऐसा
ऐसा कौन पुरुष होगा। भगवान की कथाएं इतनी रसमयी हैं, मंगलमयी हैं, पवित्र हैं कि महाराज एक बार उनको सुन ले तो फिर वहां से मन हटता नहीं। को नाम लोके पुरुषार्थ सारवित, पुरा कथा नाम भगवत कथा सुधाम। आपीय कर्णांजलि भवापा, महो विरज्येत विना नरे नरे तरम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का भजन अनन्य भाव से करना चाहिए। किसी कामना से अन्य भाव से भगवान का भजन करने में महाराज हमारा जो भजन है वो व्यापार बन करके रह जाता है, ईमानदारी रह जाती है महाराज, वो वास्तव में भक्ति नहीं होती। जो भक्ति किसी कामना से करी जाए वो भक्ति भक्ति नहीं है, वो तो लेन देन है, व्यापार है। भक्ति तो उसी को कहते हैं जो अनन्य भाव से, निष्काम भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाए। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर कोई भी चीज दुर्लभ नहीं, लेकिन फिर भी हमें अपने मन में उन वस्तुओं की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। क्यों नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि एक दिन हमने निवेदन किया था, जय हो, एक दिन हमने निवेदन किया था जय हो, कि एक दिन प्रधानमंत्री आए जेल का दौरा करने और प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग लो। कैदियों से कहा कि भाई जो चाहे सो मांग लो, तो किसी ने महाराज कहा, शिकायत करी, बोले महाराज और तो सब आनंद है, यहाँ रोटी अच्छी नहीं मिलती, रोटी की क्वालिटी हमें अच्छी मिले, यहाँ मशीन से रोटी मिलती बनती है तो वो रोटी अच्छी सिकती नहीं है। तो बोले महाराज अच्छी रोटी मिलने लग जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा चलो ठीक है, बढ़िया रोटी बनवाएंगे। किसी ने कहा महाराज यहाँ साबुन लगाने के लिए साबुन नहीं मिलता। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, अंत में एक आदमी आया, बोले महाराज बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, अब हमें यहाँ से निकाल दीजिए। तो महाराज जिसने जेल से निकलने के लिए प्रार्थना की उसको जेल से निकाल दिया गया और बाकी जेल में ही लोग पड़े रह गए और उन्होंने महाराज वहीं सुख सुविधा पाना चाहा। लेकिन जेल जेल में चाहे कितनी भी सुविधा हो जाए वो रहेगा तो कैद खाना ही रहेगा, तो कारागार ही, उसमें महाराज हमें बंदी बन करके रहना पड़ेगा। हम लोगों की स्थिति भी यही है, भगवान हम पर प्रसन्न होकर के सर्वस्व देना चाहते, भक्ति ज्ञान वैराग्य मुक्ति देना चाहते हैं, लेकिन हम संसार की तुच्छ चीजों को भगवान से मांग लेते हैं और उसमें हम अपना घाटा कर लेते हैं।